सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यह तो हम बचपन से सुनते आ रहे होते हैं, लेकिन आमतौर पर लोगों को पता भी नहीं होता कि वो सिगरेट पीते टाइम खुद की बॉडी के साथ क्या कर रहे होते हैं। हेलो सेपियंस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के वीडियो में हम जानेंगे सिगरेट स्मोकिंग से होने वाली प्रॉब्लम्स और अगर फिर टाइम रहते ही इसे क्विट कर दिया जाए तो इसके बेनिफिट्स के बारे में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट इन द वीडियो इटसेल्फ। स्मोकिंग कुछ लोगों को ट्रेंडी, कैची और फैंसी जरूर लगता है, बट द हार्श रियलिटी इज स्मोकिंग सिगरेट इज रियली बैड न्यूज फॉर अ हेल्दी बींग। स्मोकिंग के बारे में एक और मिथ कॉमन है कि ये बस हमारे लंग्स एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक को ही इफेक्ट करता है, बल्कि हकीकत तो इससे जस्ट उलट ही है। खैर, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जब कोई भी सिगरेट स्मोक करता है तो वो थाउजेंड्स ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स खुद के अंदर इनहेल कर रहा होता है, और जो मोस्ट एबंडेंट है टार, वो अपना कारनामा ओरल कैविटी से ही दिखाना शुरू कर देता है। ये दांत और मसूरों को कोट कर लेता है और फिर एनामेल की लेयरिंग भी डिस्ट्रॉय करता है, जिस कारण स्मोकर्स में कैविटी इशूज कॉमन होते हैं और फिर बैड स्मेल के तो क्या ही कहने। नोज में भी इसके इफेक्ट्स लॉस ऑफ स्मेल सेंसेशन के तौर पर देखे जा सकते हैं, क्योंकि स्मोक नोज के नर्व एंडिंग को डैमेज करता है, जिससे फ्लुएंट इम्पल्स ट्रांसमिशन ऑब्स्ट्रक्ट होता है। अगर बात करें रेस्पिरेटरी ट्रैक की, तो स्मोक रेस्पिरेटरी ट्रैक को इरिटेट करता है और इस इरिटेबिलिटी के कारण रेस्पिरेटरी ट्रैक में ज्यादा म्यूकस प्रोडक्शन होने लग जाता है, जो अल्टीमेटली स्मोकर्स में कफिंग का कारण बनता है। ऐसे में रेस्पिरेटरी ट्रैक न्यू इन्फेक्शन के लिए और भी प्रोन हो जाता है, एंड लंग्स में तो इसके सबसे एडवर्स इफेक्ट्स देखे जा सकते हैं। इनिशियल स्टेजेस में ही स्मोकिंग के कारण लंग्स में इन्फ्लामेशन होने लग जाता है, और सीलिया के डैमेज्ड हो जाने के कारण क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और इम्फेसिमा स्मोकर्स में आम है। बाकी की कसर जब स्मोक एल्वियोलाई में पहुंचता है तो पूरी हो जाती है, क्योंकि स्मोक में कार्बन मोनोऑक्साइड एमरनेंट होता है और इस कारण ऑक्सीजन एक्सचेंज साइट पर कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रेजेंट होता है, और ये तो हम जानते ही हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड की बाइंडिंग एफिशिएंसी 100 टाइम्स ज्यादा होती है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। तो ऐसे में स्मोकर्स में ऑक्सीजन डिप्रिवेशन आम बात होती है, जिसके कारण उन्हें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और जल्दी फैटिग हो जाने जैसी प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है। एंड जब निकोटीन जैसे केमिकल्स ब्लड स्ट्रीम में पहुंचते हैं तो वे वैसो कंस्ट्रिक्शन कर्ज करते हैं, जिसके कारण ब्लड वेसल्स पतले हो जाते हैं, और फिर इन्हीं केमिकल्स के कारण ब्लड वेसल्स के एंडोथेलियल लेयर भी डैमेज होने लग जाते हैं। इन्हीं कारणों से ब्लड वेसल वॉल्स थिकन अप हो जाते हैं और आर्टरी ब्लॉकेज कर्ज करते हैं, और फाइनली हार्ट अटैक और स्ट्रोक्स के भी कारण होते हैं। और रिसर्च में ये भी बात सामने आई है कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक्स के मामलों में स्मोकर्स 50% ज्यादा प्रोन होते हैं नॉन स्मोकर्स से। बट चीजें यही तक ही नहीं रुकती हैं, सिगरेट में कुछ ऐसे भी केमिकल्स होते हैं जो डीएनए में म्यूटेशंस कर्ज करते हैं, और आर्सेनिक और निकल जैसे हेवी मेटल्स डीएनए रिपेयर भी नहीं होने देते हैं, जिससे कैंसर के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। एंड ये भी कंक्लूड करना जरूरी है कि इट्स नॉट जस्ट लंग कैंसर, इसके कारण और काफी सारे कैंसर्स भी हो सकते हैं। और तो और सिगरेट स्मोकिंग से स्किन की एजिंग नॉर्मल से 10 से 20 साल पहले होने लग जाती है, और ऐसा होता है प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ना पहुंच पाने के कारण। वैसे तो सिगरेट से होने वाली हेल्थ इशूज की फहरिस्त लंबी है, लेकिन कुछ मेजर इशूज पे नजर डाल लेते हैं। जैसे सिगरेट स्मोकिंग से बोन्स वीकन अप होने लग जाते हैं, विजन पे भी इसका बैड इफेक्ट होता है। स्मोकिंग फीमेल्स में इनफर्टिलिटी कर्ज कर सकता है और मेल्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी कर्ज कर सकता है। अब एक सवाल तो आपके दिमाग में जरूर होगा, आखिर ये इतना एडिक्टिव होता ही क्यों है? आंसर काफी सिंपल है। जब निकोटीन ब्रेन तक पहुंचता है तो ब्रेन से डोपामीन, एंडोर्फिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, जो प्लेजर सेंसेशन देते हैं, एंड फिर हमारा बॉडी इसका यूज्ड टू हो जाता है। अब आप सोचो, अगर आप स्मोकिंग करने की सोच भी रहे हो तो आप किस वीसियस साइकिल में फंसने की तैयारी कर रहे हो, एंड अगर आप ऑलरेडी स्मोक करते हो तो आपके पास कितने सारे रीजंस हैं इसे क्विट करने के। आप जैसे स्मोकिंग क्विट करते हो, उसी मोमेंट से आप हेल्दी होने लग जाते हो। जस्ट 20 to 25 मिनट्स में ही आपका हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर स्टेबलाइज होने लग जाता है, एंड जस्ट अगले दिन से ही आपके हार्ट रेट रिस्क रिड्यूस होने लग जाते हैं। महीने भर में आपका पूरा लंग वापस से रिस्टोर होने लग जाता है। एक साल तक हार्ट अटैक के चांसेस हाफ हो जाते हैं, एंड 5 सालों में आपके लंग कैंसर के चांसेस भी हाफ हो जाते हैं। 10 से 12 सालों में आप नॉर्मल नॉन स्मोकर की तरह हो जाते हो, एंड ऑब्वियसली आप स्मोक ना करके अपने आसपास के लोगों को धुएं और स्मेल से इरिटेट तो नहीं कर रहे होते हो। सो इफ यू आर क्विटिंग इट, ए बिग फैट थम्स अप टू यू। हाँ, ये बात अलग है, स्मोकिंग क्विट करने की बोलना आसान है, बट रियलिटी इससे कहीं ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसके विड्रॉल सिम्टम्स भी काफी सारे हैं, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन। लेकिन थैंकफुली ये सिम्टम्स सिगरेट स्मोकिंग के केस में ज्यादा प्रोलॉन्ग नहीं है, एंड थैंक्स टू मॉडर्न मेडिकल साइंसेज हमारे पास निकोटीन स्प्रेस, च्युइंगम्स, निकोटीन डर्मल पैचेस भी मार्केट में अवेलेबल हैं, जिससे विड्रॉल सिम्टम्स को आसानी से कम किया जा सकता है। एंड ऑब्वियसली काउंसलिंग, क्रिएटिव एक्टिविटीज, मॉडर्न एक्सरसाइजेस भी इसे क्विट करने में माइलस्टोन साबित होते हैं। अब आप ही बताओ, एक छोटी सिगरेट हमें कितना बीमार बना सकती है? एंड प्लीज डू मी अ वन फेवर,
Please share this video to your smoker and non-smoker friends so that they can get informed and benefited. So friends, ये था एक brief video smoking और इसके adverse effects के ऊपर. अगर आपको content पसंद आया हो तो please do subscribe to my channel ताकि आप ऐसे ही content से updated रहें. और अगर आपको content अच्छा नहीं लगा और आप यहाँ तक आए हो तो please comment section में improve करने के लिए suggestions देना ना भूलें. Keep watching, keep growing. Vive la science.